सत श्री अकाल जी, सांझा टीवी देख रहे हो तुसी ते मैं रोबिया धंजल तुहाडे नाल। टीम इंडिया ने विश्व कप 2023 दे विच इतिहास रच दिता है ते मुंबई दे वानखेड़े स्टेडियम दे विच खेडे गए सैमीफाइनल मैच विच रोहित एंड कंपनी ने न्यूजीलैंड नू 70 दौड़ा दे नाल हरा दिता है। इस जित दे नाल ही टीम इंडिया ने फाइनल दे विच जगह बना ली है। टीम इंडिया 12 साल बाद विश्व कप दे फाइनल दे विच पहुंच गई है। 2011 दे विच इसने विश्व कप का टाइटल मैच खेडिया ते चैंपियन बनी। विश्व कप 2023 का फाइनल मैच 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के खेडिया जाएगा। तुहानू दस दिए कि भारत ने पहला बल्लेबाजी करते हुए 397 दौड़ों का वड्डा स्कोर बनाया। जवाब दे विच न्यूजीलैंड की टीम 327 दौड़ा बना सकी। 397 दौड़ों के टीचे का पिछा कर उत्तरी न्यूजीलैंड की टीम 327 दौड़ों से ही सिमट गई है। न्यूजीलैंड के लिए जेरेल मिशेल ने 134 दौड़ों के सैकड़े वाली पारी खेडी, पर ओ टीम नू हार तो नहीं बचा सके। इस जित के नाल टीम इंडिया ने सैमीफाइनल की मिथ भी तोड़ दिती। अजिहे विच आओ जानते हैं टीम इंडिया की जित के वड्डे कारण। विराट कोहली ने न्यूजीलैंड खिलाफ विश्व कप सैमीफाइनल मैच में शानदार सैकड़ा लगाया है। विराट कोहली हुण वनडे क्रिकेट में सब तो वध सैकड़े लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने 49 सैकड़े लगाने वाले सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिता है। कोहली ने अपनी 279वीं पारी दे विच अपने 50 वनडे सैकड़े पूरे कर लए ने। ते बुधवार को खेडे गए विश्व कप 2023 के पहले सैमीफाइनल मैच में भारतीय बल्लेबाजों के नाल नाल गेंदबाजों का भी प्रदर्शन देखने को मिलिया। इंग्लैंड के खिलाफ मैच के भारत के चोटी के गेंदबाज मुहम्मद शमी ने 9.5 ओवर 57 दौड़ा दे के 7 विकट लैके एक बार फिर अपना जादू दिखाया। इस दे नाल ही उसने विश्व कप के इस मैच के एक शानदार रिकॉर्ड भी बनाया। शमी ने इस मैच में 3 बार 5-5 विकट लैके वनडे विश्व कप में अपनिया 50 विकट पूरी कर लिया ने। अजिहा करने वाले वो पहले भारतीय गेंदबाज बन गए ने। तो इस दे नाल ही श्रेयस अय्यर ने भी शानदार बल्लेबाजी करदिया होया न्यूजीलैंड के खिलाफ सैकड़ा लगाया। टीम इंडिया के महान बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने विश्व कप के अपना दूसरा सैकड़ा लगाया है। तो श्रेयस ने सैमीफाइनल के खास मौके उत्ते शानदार बल्लेबाजी करदिया होया अपने सैकड़े का टीचा पूरा कर लिया है। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जोरदार बल्लेबाजी करदिया होया उन्होंने 67 गेंदा दे विच सैकड़ा लगाया। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मैच के रोहित शर्मा ने भी शानदार कप्तानी की है। तो इस एक समा सी जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजा ने क्रीज उत्ते अपने पैर जमाए हुए सन और मुहम्मद सिराज की पटाई हो रही थी, तो रोहित शर्मा ने गेंदबाजी बदलने का फैसला किया। कुलदीप नूं गेंदबाजी करन दे लई कहा। कुलदीप ने अपनी गेंदबाजी दे नाल कीवी टीम उत्ते दबाव बनिया ते जिस कारण बल्लेबाजा ने गलती की भारतीय टीम नूं वापसी करन दा मौका मिल गया। न्यूजीलैंड खिलाफ सैमीफाइनल विच टीम इंडिया की फील्डिंग भी जबरदस्त रही है। तो विकटकीपर के एल राहुल ने शानदार कैच फड़े ने। तो इस तो इलावा रविंदर जडेजा ने भी जाउंड्री उत्ते शानदार कैच लैके टीम इंडिया लई वापसी की है। तो हालांकि कुछ मौकों उत्ते कैच छुट गए, पर ओवरऑल फील्डिंग ने टीम इंडिया की वापसी विच जान पा दी। अंत में वह 70 दौड़ों नाल मैच जीत के फाइनल विच पहुँच गई। तो हुण अज सैमीफाइनल मैच कोलकाता विच आस्ट्रेलिया ते साउथ अफ्रीका दे विचकार होवेगा। जो भी टीम जितेगी वह फाइनल दे विच पहुंचेगी। फाइनल मैच अहमदाबाद मोदी स्टेडियम दे विच 19 नवंबर दिन ऐतवार नूं होवेगा। हुण देखदे हां किहड़ी टीम जितदी है, तुहाडे हिसाब दे नाल किहड़ी टीम जिहड़ा फाइनल मैच जितेगी, इस बारे सानूं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जेकर जानकारी चंगी लगी होवे तां इस नूं लाइक ते शेयर कर दिओ। इसे तरह मैच दे संबंध में पल पल की अपडेट लैके जल्दी हाजिर होवांगे। बने रहो सांझा टीवी दे नाल।